हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रू जनुचिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लैड्स, ठीक है। साइंस का टॉपिक है अपना। ये स्टार्ट करने का पर्सपेक्टिव है DSSP TGT, ठीक है। DSSP TGT साइंस का टॉपिक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ग्लैड्स क्या ऑर्गेन्स होते हैं? कैसे ऑर्गन? सेक्रेटरी ऑर्गेन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? ग्लैंड्स क्या होती हैं? सेक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, श्राव्य अंग होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं या सेक्रेट करते हैं, या तो ये बनाएंगे या रिलीज करेंगे एनी केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंजाइम, दूसरा होता है हार्मोन, तीसरा होता है जूस, ठीक है। तीन प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस जैसे सीक्रेट करते हैं। पहला एंजाइम हो गया, दूसरा हार्मोन हो गया, और तीसरा जूस हो गया। ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन, ठीक है, बहिःस्रावी। दूसरी होती है एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि। एक्सोक्राइन में एक्सो का मीन्स क्या होता है? एक्सो का मीन्स होता है आउटर, बाहर, ठीक है। आउटर का मतलब इन देंस आउटसाइड द ब्लड, ठीक है, ब्लड के बाहर। एंडो का मतलब होता है इनर, इनसाइड द ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर। और ये क्या करती है? आउटसाइड द ब्लड, एक्सोक्राइन। मिक्स्ड ग्रंथि विच एक्ट्स एज बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो मिक्स्ड ग्लैंड जो होती हैं वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन का इन द सेंस क्या होता है? एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि ये अपनी सबस्टांसेस जो हैं वो ब्लड में सीक्रेट नहीं करती। अब ब्लड में सीक्रेट नहीं करती, इसका मतलब अलग से कोई डक्ट होगी इनके लिए। भाई अगर ये सीक्रेट कर रही हैं और ब्लड अपनी बॉडी में सभी जगह है, अगर ब्लड में नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये कि इनके पास कोई ऐसी डक्ट की फैसिलिटी है जिसकी वजह से ब्लड में नहीं जाने दे रही है। तो इसलिए इन्हें क्या कहें? डक्ट ग्लैंड्स कहा जाता है। ग्रंथि युक्त वाहिनी, सॉरी, वाहिनी युक्त ग्रंथियां कहा जाता है, ठीक है, डक्ट ग्लैंड्स कहा जाता है। इनके द्वारा श्रावित पदार्थ इनकी वाहिकाओं में बहकर संबंधित अंग में जाता है। तो वाहिकाओं के थ्रू क्या हुआ? जो रिलेटेड ऑर्गेन है उस ऑर्गेन तक डायरेक्टली जाएगा सीधे, ठीक है, बीच में कोई भी मीडिएटर ऐसा नहीं रहेगा। वाहिकाओं से सीधा पर्टिकुलर ऑर्गेन तक। इनसाइड द ब्लड का इन दी सेंस है कि श्रावित पदार्थ जो होता है वो ब्लड में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इनसे श्रावित पदार्थ या द्रव्य के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलता है। तो ब्लड में होके क्या पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो इन्हें क्या है? नलिका विहीन ग्रंथि या डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। तो ये क्या हुई? डक्ट युक्त, और इनमें डक्ट नहीं पाई जा रही है। तो एंडोक्राइन को क्या कहा जाएगा? डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। अंदर ही अंदर है ना, तो कोई डक्ट की जरूरत नहीं है। अब एक्सो है कोई सामान, जैसे कि इस प्रकार देख सकते हैं, एक्सोक्राइन अगर किसी चीज़ को, किसी को बाहर जाना है तो भाई किसी बाहक की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर के लिए कोई बाहक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई डक्टलेस, एक्सोक्राइन हो गई डक्टयुक्त, ठीक है। मिक्स्ड तो वो तो दोनों की तरह एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। तो पहली है सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि जिन्हें बोला जाता है। ये प्रोड्यूस क्या करती हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। दूसरी हो गई स्वीट ग्लैंड्स, पसीने वाली, स्वेट, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? स्वेट प्रोड्यूस करेंगी, स्वेट है ना, नॉट स्वीट, स्वेट। थर्ड हो गई सीबेशियस ग्लैंड, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगी? ऑयल या शिवम, ठीक है, ये ऑयल एंड शिवम, सीबेशियस ग्लैंड। अगली हो गई लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है, इन्हें क्या अश्रु ग्रंथि कहा जाता है। नाम से क्लियर है, द सीक्रेट, ये प्रोड्यूस टीयर्स, ठीक है, ये आंसू सीक्रेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अगली हो गई मैमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, ठीक है, दे सीक्रेट, ये प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है, ये मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। अगला हो गया लीवा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बाइल जूस, पित्त रस,
सीक्रेट करे। एक बार फिर से देख लेते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करेंगे, श्वेत ग्लैंड श्वेत करेंगे, सेबेशियस ग्लैंड ऑयल या सीबम, लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स, मैमरी ग्लैंड मिल्क, लीवर बाइल जूस पित्त रस। ठीक है, ये सारे जो हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अभी पर बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, आप इनके एक बार अपन देख लेते हैं, जैसे कि देखो मैं बताऊँ, मैमरी दूध देख लेते हैं, डायरेक्टली ब्लड के थ्रू आता है। ठीक है, ब्लड में जो है वो नहीं मिक्स होता है। टीयर्स डायरेक्टली आते हैं, प्योर होते हैं भाई, खून के साथ आंसू थोड़े आते हैं, सिंपल प्योर। ठीक है, ऑयल सीबम ये प्योर आते हैं, अपना श्वेट जो होता है पसीना वो प्योर आता है एकदम, पसीना ही पसीना ब्लड के साथ थोड़े आएगा, तो एक ब्लड के थ्रू बाहर आएगा। सलाइवा लार, ओनली लार ही लार, ठीक है, जो पानी जैसे होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए तो एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, इसमें कौन कौन सी ग्लैंड आएंगी, तो पहले आएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, दूसरी आता है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड, थायमस, थायमस, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सीख लेते हैं। तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी विज्ञान की फादर कौन है, तो वो है थॉमस एडिशन। थॉमस एडिशन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आर बॉडी इज लीवर। ठीक है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि, या हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन आर बॉडी इज पीनियल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायरॉयड। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आर बॉडी इज लीवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आर बॉडी इज थायरॉयड। ओके, आगे देखते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो इट इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, जैसे कि अभी पहले देखा सबसे छोटी है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो 0.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर से भी कम, 0.8 सेंटीमीटर। अगर इसकी वेट की बात की जाए तो 0.1 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लोब्स ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, जो सेरेब्रम्स की लोब्स होती है उनके बीच में सिचुएटेड होती है। ठीक है, प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच में स्थित होती है। इसके अदर नाम देख लेते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरेब्री। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरेब्री। इट इज़ ऑल मतलब मीन्स पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड इट इज ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरेब्री। पीनियल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज थर्ड आई ऑफ आर बॉडी। ये हमारी शरीर की तीसरी आँख के रूप में भी जानी जाती है। पीनियल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज द थर्ड आई ऑफ आर बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्शन टू लाइट। ठीक है, इसका कनेक्शन जो होता है वो लाइट्स होता है, इसलिए इसे थर्ड आई ऑफ आर बॉडी भी कहा जाता है। लाइट से कनेक्शन का इन द सेंस प्रकाश, नॉट करंट। ठीक है, पीनियल ग्लैंड का क्या होता है, प्रकाश से कनेक्शन होता है, इसलिए इसे थर्ड आई ऑफ आर बॉडी कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर की जैविक घड़ी के रूप में भी इसे जाना जाता है, पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ आर बॉडी, या हमारे शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन ये सीक्रेट करता है। ये हार्मोन क्या होता है, ये स्लीप हार्मोन होता है। स्लीप हार्मोन कैन से इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर आर स्लीप, इट्स कंट्रोल स्लीप। तो ये हमारे स्लीप को कंट्रोल करता है, ये हमारे सोने को कंट्रोल करता है। स्टिमुलेट कैसे होगा, तो ये स्टिमुलेट होता है डार्कनेस से। ठीक है, इट इज़ स्टिमुलेटेड बाई डार्कनेस एंड इनहेबिटेटेड बाई लाइट। ठीक है, संदमित किससे होगा, लाइट से। स्टिमुलेट किससे होगा, उत्तेजित किससे होगा, डार्कनेस से। ठीक है, सो इट इज स्टिमुलेटेड बाई डार्कनेस एंड इनहेबिटेटेड बाई लाइट। ओके, तो लाइट से संदमित होता है, मतलब जैसे ही उजाला मिला इसे, जैसे ही इसे लाइट मिली तो ये संदमित हो जाएगा, जैसे ही इसे अंधेरा मिला तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, डिजीज से रोग, इसकी कमी से या इसके ज़्यादा होने से रोग क्या होता है, तो कमी से हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा, इंसोमनिया। ठीक है, नींद ना आने वाली बीमारी को इंसोमनिया बोला जाता है ना। इंसोमनिया क्या होता है, जिनको नींद नहीं आती
उस बीमारी को क्या होता है, इंसोमनिया। हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा, हाइपर सोमनिया, ज़्यादा नींद आएगी, सोता ही रहेगा आदमी, ठीक है। इंसोमनिया नींद नहीं आना, हाइपर सोमनिया नींद बहुत ज़्यादा आना, ठीक है। मेलेटोनिन क्या है, एक प्रकार का अमीनो एसिड है, ठीक है। मेलेटोनिन इज अमीनो एसिड, ठीक है। एक बार मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, मेलेटोनिन क्या है, स्लीप हार्मोन, इट कंट्रोल्स स्लीप, ठीक है। ये अमीनो एसिड है, ठीक है। स्टिमुलेट होता है डार्कनेस से, इनहिबिट होता है लाइट से। हाइपोसिक्रीशन यानी कि कम श्रवण से क्या होगा, इंसोम्निया, ज़्यादा श्रवण, हाइपरसिक्रीशन से क्या होगा, हाइपर सोम्निया, ठीक है। और बाकी ये देख लेते हैं इनके अदर नाम क्या है पीनियल ग्लैंड के, तो इनके एपिफाइसेस सेरेब्री, थर्ड आई ऑफ आर बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक क्लॉक ऑफ आर बॉडी, ठीक है। सबसे छोटी होती है 0.8 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, वेट 0.1 ग्राम ओनली, ओके। और इट इज़ सिचुएटेड या लोकेटेड बिटवीन लोब्स ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। टू ट्रीट इंसोमनिया, इंसोमनिया के ट्रीट मतलब उपचार के लिए मेलेटोनिन कैन ऑल्सो बी टेकन इन कैप्सूल फॉर्म, ठीक है। तो मेलेटोनिन जो होता है उसको कैप्सूल फॉर्म में भी लिया जा सकता है। इट इज प्रोड्यूस्ड इन डार्क आवर्स, ये जो होता है वो डार्क आवर्स अंधेरे घंटों में, अंधेरे घंटों का मतलब 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 रात के, ठीक है, उन आवर्स में। व्हेन आर ऑप्टिक नर्व डिटेक्ट नाइट टाइम, जब हमारी ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो नाइट टाइम डिटेक्ट करती हैं, तब ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।